उनको ऐसे क्यों हम सर सिर्फ उसको देखते थे बस। रोज देखता था नीता को? जी सर रोज देखते थे। क्यों? सर हमारे कॉलेज में आती थी, दिखती थी तो देख लेते थे। हाँ लेकिन तेरे कॉलेज में और लड़कियां भी तो आती होंगी जो दिखती होंगी। सिर्फ नीता को ही क्यों देखता था? क्या भैया? क्या? इतने भी क्रेजी नहीं होते लड़की के पीछे, किसी दिन बुरे गिरोगे। लाइक करते थे सर उसको, पसंद बस। पहले बोला सिर्फ देखता था, अब बोल रहा है पसंद भी थी। हम बोले सर कि पसंद थी इसीलिए उसे देखते थे। किस इरादे से देखता था? कोई इरादा नहीं था। आगे की प्लानिंग क्या थी तेरी? कोई प्लानिंग नहीं थी। उसे देखता था, पसंद करता था तो बेटा मन ही मन इश्क भी लड़ाया होगा। बस मन ही मन खुश हो लेते थे उसे देखकर, नहीं तो उसके सामने कभी हमारी जुबान से एक वर्ड भी नहीं निकला। हाँ जुबान से तेरे एक वर्ड भी नहीं निकला लेकिन तेरी बंदूक से 8-8 गोलियां निकल गई। तो मर्डर किए हैं तूने। देखो हमको मार मार बउआ भगवान के लिए। अब ये गलत कर रहे हैं। हम सर किसी के मर्डर नहीं किए हैं सर। किए नहीं है, करवाए। राहुल चौधरी और उसके दादाजी मनोहर चौधरी का कत्ल करवाया तूने। अब हमें सिर्फ ये बता कि क्यों करवाया। नहीं सर आप 2 साल पहले बिखरी हुई बात को जोड़ रहे हैं। आज हमने नहीं करवाया ऐसा कुछ। क्यों मरवाया राहुल चौधरी और मनोहर चौधरी दोनों को? क्यों सुरेन क्यों? क्यों? जब भी कोई सस्पेक्ट सवाल के जवाब देने में हिचकिचाने लगे, हड़बड़ाने लगे, तब और ज्यादा तह तक जाना चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो टूट जाए, सच बोल दे। पर यह भी हो सकता है कि संदिग्ध जुर्म की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से टूट रहा है, हमारी वर्दी का डर। वो डर के मारे कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन कंफ्यूज तो तुम लोग भी हो सकते हो कि क्या तुम्हारा टारगेट सही है या फिर तुमसे कोई भूल हो रही है। छटा हुआ क्रिमिनल बिना थर्ड डिग्री के कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मैं नहीं मानता। सच को साबित करने के लिए थर्ड डिग्री की नहीं ठोस सबूत की जरूरत होती है। करेक्ट। थर्ड डिग्री द्वारा लिया गया बयान सस्पेक्ट कोर्ट में बदल सकता है लेकिन अगर तुम्हारे पास सुराग है, क्रेडिबल गवाह है, तो क्रिमिनल कभी बच नहीं सकता। आप इस डबल मर्डर केस में गुनहगार तक कैसे पहुंचे? बड़ी मुश्किल से पहुंचे। ये केस मेरे करियर के सबसे अजीबोगरीब केसेस में से एक था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हालात सामने आए, जो लोग सामने आए, सब के सब शक के दायरे में थे। अरे इतनी सुबह सुबह कौन बाहर गया? अबे तुम्हारे दादाजी कहीं टहलने गए हैं क्या? हमें नहीं पता मम्मी, क्या हुआ? अरे सुबह सुबह बाहर का दरवाजा खुला देखे इसीलिए पूछ रहे हैं। बाबूजी। हाँ अंदर आ जाओ बहू। ये मनोहर जी कहीं गए हैं क्या टहलने महलने? हमको तो मालूम नहीं है, कमरे में देख लो। उनका दरवाजा बंद है, हमको हिचकिचाहट हो रही है कि दरवाजा खटखटाए या नहीं। मनोहर जी, मनोहर जी, दरवाजा तो खुला है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। ये मनोहर जी और राहुल कहीं बाहर टहलने निकले हैं क्या? पता नहीं, हमको तो बताया नहीं। नहीं बाबूजी, हमसे भी कुछ नहीं बोले। बाबूजी हमने भी किसी को जाते हुए नहीं देखा, बस दरवाजा खुला था वो भी हल्का सा। उनके जूते तो यही हैं और वो ऐसे दरवाजा खुला छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएंगे। राकेश जरा मनोहर जी को फोन लगा,
हो सकता है कि वो राहुल को लेके बाहर टहलने गए होंगे। जी क्या हुआ दादू? नीता तुम्हें कुछ पता है मनोहर जी और राहुल कहाँ हैं? कहाँ है मतलब अपने कमरे में नहीं है क्या? फोन बज तो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे। दादू मनोहर अंकल और राहुल का फोन तो कमरे में ही है। जूते भी इधर ही है और फोन भी इधर ही है, ऐसे कहाँ चले गए? अभय तू एक काम कर, फटाफट जा, जाकर गांव में देख। जी जा। भाभी जी अब चिंता मत कीजिए, टहलने गए होंगे और कहाँ जाएंगे इतनी सुबह सुबह। हो गया भैया ये भीड़ भीड़ का लगा रखी है, है? अरे भाई देखो जरा ये देखो कौन है, दोनों जानते हो इन दोनों को? हे भगवान पहचानते हो इन्हें? ये तो मनोहर अंकल और उनका पोता राहुल है। सर हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया। सर काफी दूर तक छाना, कहीं कोई जूते नहीं मिले। मैडम इन दोनों के जूते तो घर में हैं। ये दोनों आपके घर से कब निकले, कैसे निकले, किसी को कुछ भी पता नहीं चला? नहीं सर, ये मनोहर जी की पत्नी राधा जी भी उसी कमरे में सोई थी जहां ये दोनों सोए थे, लेकिन उन तक को भनक नहीं लगा कि कब उठे कब बाहर निकले। यहां नीचे राहुल सोया हुआ था और बेड के ऊपर मनोहर जी और उनकी पत्नी राधा जी सोए हुए थे। हम सवेरे जब मनोहर जी को ढूंढने के लिए आए तो राधा जी यहीं सोई हुई थी। वो तो हमारी बहू सरिता ने पहले देख लिया कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार, कल ही भुवनेश्वर से आए थे। तो ये लोग यहाँ से नहीं है? जी नहीं, मतलब मनोहर जी के दादाजी यहीं से थे लेकिन बरसों पहले भुवनेश्वर जाकर बस गए थे। अजाने कैसे ये अनर्थ हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। जब से राधा जी को पता चला है तब से उनकी हालत खराब है। एक राधा जी ही है जो मैं बता सकती है कि वो दोनों कब क्यों और कैसे बाहर गए। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं मालूम, हमने बात की थी इनसे। बाबूजी अब राहुल के पापा कमल को बता देना चाहिए। ठीक है। अजीब बात है सर, दादा पोता घर से बाहर निकलते हैं और किसी को पता तक नहीं चला। और सर लाशों के पैरों में जूते भी नहीं थे और दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा। सर दोनों विक्टिम्स मनोहर चौधरी और राहुल चौधरी और दादी राधा चौधरी कल ही भुवनेश्वर से आए। हमें राधा चौधरी से जल्द बात करनी होगी। दूर के रिश्तेदार हैं। राकेश तो यही कह रहा था सर, दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसे मिलने के लिए आए थे, कैजुअल विजिट। इतना भयंकर कांड और कैजुअल विजिट। नमस्ते राकेश जी। हाँ बताइए कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है? नहीं अनर्थ हो गया कमल जी। क्यों क्या हो गया? आपके बाबूजी और बेटे का, पापा और राहुल, क्या हुआ उनको, सब ठीक है ना? दोनों का मर्डर हो गया। अरे ये क्या बक रहे हैं आप ये? हाँ आज सुबह घर से बाहर निकले थे शायद टहलने के लिए,
तो किसी ने गोली मार दी। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप बकवास कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा जी, आपको हमसे बात करनी होगी। हमें जानना है कि क्या कमरे में कुछ हुआ था। जब से पता चला है सिर्फ रो ही रही है। देखिए सरिता जी, राधा जी को हमसे बात करनी ही होगी। राधा जी, मनोहर जी और राहुल, सिर्फ यही तीनों लोग थे कमरे में, तो शायद कमरे में कुछ तो हुआ ही होगा। सर, ये मनोहर अंकल का फोन है। जब सुबह पापा ने चेक करने के लिए कॉल किया था, तब यही फोन बज रहा था। ये राहुल का फोन होगा। ये फोन कस्टडी में लो और इसे अनलॉक करने के लिए। जी सर। सर, बाबूजी कह रहे थे जब वो अंदर आए तो राधा जी वहां सोई थी उस तरफ। राहुल का बिस्तर यहाँ बिछाया गया था नीचे। हमने ही बिछाया था कल रात को। राहुल, बिस्तर नीचे बिछा दें तो चल जाएगा ना? हाँ हाँ चलेगा, हमको आदत है नीचे सोने की। बिना पैरों में कुछ पहने कोई मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे जा सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं। मनोहर जी अपनी फैमिली के साथ किस काम से आए थे यहाँ? सर, बताया तो था, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। बाबूजी को फोन कर बोले कि हम आ रहे हैं और आ गए। काम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला हमें। कैसे आए थे? मतलब भुवनेश्वर से यहाँ कैसे पहुंचे? फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार? ट्रेन से आए थे। अरे भाई, सफर तो बहुत बढ़िया रहा। तुम बताओ, ऋषिनाथ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बाबूजी। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था ना? जी जी जी। वो कैसा चल रहा है? बस भोलेनाथ जी की कृपा और आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा आप लोग समय निकाल कर आए। आते कैसे नहीं, ऐसी बातें फोन पे थोड़ी होती है। खुद हम और अभय रांची स्टेशन गए थे उन्हें रिसीव करने, कल सुबह 20 तारीख को। उसके बाद सीधे घर आ गए। वो भुवनेश्वर से ही आए और इस तरह से मारे गए। राकेश जी, कोई आपत्ति वाली बात? आपत्ति वाली बात भला हमें कैसे पता होगी, हम तो खुद परेशान हैं। वो हमारे मेहमान थे। किस वजह से आए थे यहाँ? जी, हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए थे। वो जो हॉल में सीढ़ियाँ हैं, छत की तरफ जाती? जी सर। दिखाओ सर। सर, वो छत के रास्ते से तो बाहर गए ही नहीं, दरवाजा तो सामने वाला खुला था। हो सकता है छत के रास्ते से आए हो और वहीं से उनको लेकर गए। सर, मैं पूछ रहा था कि कोई आपत्ति वाली बात? हमने आपको बताया ना, कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। भुवनेश्वर से मनोहर जी का बेटा और बहू निकल गए हैं यहाँ के लिए? जी हाँ, हम फोन कर दिए, बुरी तरह हिल गए, बोले तुरंत निकल रहे हैं। राकेश जी, आर यू श्योर? वो ऐसे ही आए थे यूं ही? हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते? हम कितनी बार कहें कि वो ऐसे ही आए थे। आइए सर। तोड़ा गया? हमें नहीं पता ये कुंडी किसने तोड़ी। सर, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये ऊपर वाली कुंडी, ये बीच वाली कुंडी और ये नीचे वाली कुंडी, हर रात ये तीनों कुंडी हम लगाकर ही सोते हैं। ये लोग ये तीनों कुंडी खोलकर बाहर निकल गए। लग तो ऐसे ही रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कोई आवाज क्यों नहीं आई। और अगर टहलने निकले भी थे तो दरवाजा खुला क्यों छोड़ कर गए? ये दरवाजा हमेशा रात को बंद किया जाता है? जी, हमेशा। तो फिर कल रात को भी बंद किया गया होगा? जी। तो जाहिर सी बात है कोई इसे तोड़कर ही अंदर दाखिल हुआ होगा। नीचे से ऊपर छत पर चढ़ के आना किसी के लिए भी काफी आसान है, लेकिन कोई ऐसे क्यों आएगा? यही सवाल तो हमारा भी है कि कोई ऐसा क्यों करेगा।
कोई क्यों आपके घर आए तीन मेहमानों में से दो को ऐसे ही मार देगा, जो कि भुवनेश्वर से बस एक ही दिन पहले आए, जिसमें आप कह रहे हैं कि वो बस ऐसे ही आए थे, यूं ही कैजुअल विजिट। और दोनों की लाशें बाहर मिलती, मेन गेट खुला हुआ है और दोनों को गोली मार दी जाती है और उनके हाथ पीछे बंधे हुए। हमारा यकीन करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन ये छत का दरवाजा तोड़कर अंदर आया और किसने बाहर का दरवाजा खोला। सर, घर में किसी को कुछ नहीं मालूम, यहाँ तक कि राधा जी को भी नहीं। टेरेस से ही कोई आया होगा, फोर्स एंट्री थी, टेरेस के दरवाजे की कुंडी तोड़ी होगी, नीचे गए होंगे और बंदूक की नोक पर मनोहर चौधरी और उसके पोते को सामने के दरवाजे से मर्डर पॉइंट पे ले गए होंगे और मार दिया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे घर में किसी ने कुछ नहीं सुना? आई मीन मनोहर चौधरी की वाइफ जो उसी कमरे में सो रही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं सुना, कुछ अजीब नहीं है? बहुत अजीब था, और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अजीब होता जा रहा था। छत के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, घर का मेन डोर खुला हुआ था, विक्टिम्स के जूते घर में ही थे, उनके मोबाइल फोन्स भी, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग था इस घर के लोगों का स्टेटमेंट। किस बारे में? मनोहर चौधरी की फैमिली के बारे में, जो अचानक भुवनेश्वर से इनके घर में आ गई थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज, दोनों को चार चार गोलियां मारी गई। गोलियों का कैलिबर? .32 रिवॉल्वर। रस्सी? ये लोकली यूज होने वाली रस्सी। मिस्टीरियस है डॉक्टर, बिना जूतों के बिना मोबाइल फोन्स के कोई खेतों में टहलने तो नहीं जा सकता। दोनों के पैरों पर हल्के छाले हैं, इनको रफ जगह से चलाकर खेत में ले जाया गया होगा, शायद जबरदस्ती। अगर इन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होता तो कुछ तो शोर होता, ये लोग चिल्लाते कुछ तो करते। क्या हो गया बेटा? माँ यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो गया ये सब? कैसे खत्म हो गया माँ सब ये? हम सब सोए थे विद्या बेटा, किसी ने चू तक नहीं सुनी। मुझे मेरे राहुल को देखना है। सर, खबरियों को काम पे लगा दिया है और सर पूरे आसार हैं कि एक से ज्यादा लोग रहे होंगे जो इन दोनों को बंदूक की नोक पे खेत में लेके गए होंगे और वहां काम तमाम कर दिया होगा। सर, ये लोग 20 अक्टूबर को भुवनेश्वर से यहाँ पहुंचते हैं, ठीक से सुस्ताते भी नहीं है और अगले दिन सुबह मनोहर जी और उनके पोते राहुल का कत्ल हो जाता है। अजीब बात यह है कि उसी कमरे में सोई हुई मनोहर जी की पत्नी राधा जी को कातिलों ने टच भी नहीं किया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल भुवनेश्वर से पीछा कर रहे हो इस पार्टी का, या फिर उन्हें पहले से पता हो कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद सारी प्लानिंग यहीं से की होगी। सर, इनका बेटा और बहू यहाँ पहुंच चुके और अब तो शायद राधा जी भी बात करने की हालत में आ चुकी होंगी। इन तीनों से डिटेल में बात करते हैं। मुझे लगता है मनोहर चौधरी का यहाँ आने का मकसद कुछ और होगा और वो मकसद ही हमें उनके कातिलों तक पहुँचाए। राधा जी, रात को आप तीनों एक ही समय पर सोए? राहुल और आप पहले से ही कमरे में थे, आराम कर रहे थे, फिर ये आए। कहां से? ब्रिजनाथ जी से बातें कर रहे थे। अरे, अभी तक सोते नहीं तुम लोग? बहुत ही देर कर दी आपने तो। अरे भाई, इतना दिन के बाद मुलाकात होगा तो गप सब भी तो होगा ना। दादू। हाँ बेटा। सब ठीक जा रहा है ना? हाँ बेटा, सब ठीक जा रहा है, आगे की बात कल करते हैं, चलो अब सोते हैं, सब लोग बहुत थक गए हैं यार। फिर जो आंख लगी और तब खुली जब सुबह ब्रिजनाथ जी ने आके उठाया, पूछा ये दोनों कहाँ गए। हाँ, रात को काफी देर तक बातें हो रही थी। किस बारे में बातें हो रही हैं? बिरादरी के बारे में। हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी, कभी साल में एक बार तो कभी दो तीन सालों में एक बार, और मनोहर जी को सबकी खबर चाहिए थी, बस वक्त निकल गया बातों बातों में। आप कह रहे थे कि दूर के रिश्तेदार, जरा ठीक से बताएंगे कितनी दूर के? मेरे मामा जी के कजिन के साइड में, दूर की बहन की नंदोई है। राधा जी, आप कह रही हैं कि आपके पति ने आपसे और आपके पोते राहुल से कहा
कि बाकी बातें बृजनाथ जी से कल करेंगे। जी। राधा जी क्या बात करेंगे? आप लोग यहाँ क्या बात करने आए थे? शादी की बात। आपके बेटे राहुल और राकेश की बेटी नीता की शादी की बात। हाँ, माँ और पापा जी राहुल को लेकर इसीलिए यहाँ आए थे। आप क्यों नहीं आए? मैं कॉमन ट्रस्ट बैंक के पांडव नगर ब्रांच का सीनियर मैनेजर हूँ। एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी सर। ये शादी वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई, जबकि हम बार बार पूछते रहे? आपने मुझसे कब पूछा कि मनोहर जी अपनी पत्नी और पोते के साथ क्यों आए थे? हमने आपके बेटे राकेश से कई बार ही पूछा। तो राकेश ने आपको बताया नहीं है क्या कि मनोहर जी अपने पोते राहुल के लिए हमारी नीता का हाथ मांगने आए थे? कुछ 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी बाबूजी के बृजनाथ जी से, और बाबूजी हमें बता रहे थे कि वो नीता को देख रहे राहुल के लिए। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? किसने छुपाई? हम राकेश से बार बार पूछते रहे, लेकिन हर बार वो यही कहते रहे कि कोई खास वजह नहीं थी, बस ऐसे ही आए थे, दूर के रिश्तेदार हैं, कैजुअल विजिट। हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते? हम कितनी बार कहें कि वो ऐसे ही आए थे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही घूमने थोड़े ना आए थे। पापा जी ने 3 हफ्ते पहले हमें बताया था कि वो राहुल और नीता की शादी की बात चलाने वाले हैं। अरे भाई, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, सब ध्यान से सुनो। अरे हमको भी तो अभी बताए हैं। अरे भाई, जब फुल एंड फाइनल हो जाता तब ही आपको बताते ना। हैं? अरे बाबूजी बता भी दीजिए ना, क्यों इतना सस्पेंस बढ़ा रहे हैं? हाँ दादू, अब आपका नाम मनोहर, इसका मतलब ये थोड़ी है मनोहर कहानियां बनाएंगे। बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ने वाला है तू। हाँ, हम सब फिक्स कर दिए हैं, नीता इस घर की बहू बनेगी। नीता? अरे वो करसी बाग वाले है ना बृजनाथ जी। हाँ। उनकी पोती। अच्छा वो। लेकिन बाबूजी आपने अचानक से कैसे ये सब? अचानक से कहाँ, अरे तुम उस दिन 3 तस्वीर लाए थे ना लड़कियों की। हाँ। तो हम सोचे चौथी क्यों नहीं। इस लड़की से हम 1 साल पहले मिले थे लक्ष्मी के ब्याह में, बहुत सुशील है, बहुत घरेलू और ग्रेजुएट भी है, इसके लिए तो एकदम परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृजनाथ जी भी इस प्रपोजल से बहुत खुश हैं। आप बताइए बृजनाथ जी, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका रिटायरमेंट वाला लाइफ? रिटायर तो हम सालों पहले हो गए, लेकिन फैक्ट्री वाले हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। कभी रनिंग में रखे हुए हैं, कभी कंसल्टेंट, कभी एक्सपर्ट, कभी यूं ही बुला लेते हैं। कि ये तो आपके रुतबा का प्रमाण है। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, नहीं तो साल 2 साल में हमारी एक बार मुलाकात होती है, वो भी किसी के शादी में 2 मिनट के लिए गले लगते हैं फिर अलग हो जाते हैं। अरे यही से हम सोच रहे हैं कि इस बार फिर शादी में मिलते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। काय अब कहना क्या चाहते हैं मनोहर जी? आपकी पोती नीता कैसी है? नीता बहुत बढ़िया है, ग्रेजुएशन कर ली है, आगे की पढ़ाई के लिए सोच रही है, लेकिन हमने भी कह दिया है पढ़ लो लेकिन शादी भी कर लो। राकेश उसके लिए लड़का देख रहा है। लड़का ढूंढ रहे हैं? अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, हमारा पोता है ना राहुल। राहुल? हाँ भाई, हमारा पोता राहुल, वो भी ग्रेजुएशन कर चुका है, MBA का तैयारी कर रहा है, दोनों को मिलवा देते हैं, इनमें कोनो बुराई है का? नहीं नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अरे तो फिर हम आपकी पोती नीता का हाथ अपने पोता राहुल के लिए मांग रहे हैं। ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ दी है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस राहुल के बच्चे को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा करते हैं, प्लान बनाते हैं दोनों को मिलवाने का। भाई आप ही आओगे हमारे घर में, ये तो तय रहा। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम और आप हैं तो पुराने जमाने के ना, लड़के वाले ही आएंगे लड़की वाले के घर में। हाँ भाई, हम ही आएंगे पक्का, इस बार सादा सादा और अगला बारी धूम धड़ाका बैंड बाजा। बेटा कमल, 19 तारीख का टिकट बुक कराए हैं। अरे बाबूजी 19? अरे 19 से 22 तो हमारी जोनल मीटिंग है बैंक की। अरे बेटा खबर था हमको, इसीलिए सिर्फ 3 टिकट कराए, तुम्हारी माँ का, अपना और राहुल का, तुम और बहू बाद में आ जाना, समझे? और बेटा राहुल, तुम्हारा यहाँ कोई लव स्टोरी तो चालू नहीं है ना? नहीं दादू, लेकिन आप उस नीता से मेरी बात तभी पक्की करना जब हम दोनों मिल लें, मतलब एक दूसरे को पसंद आने चाहिए। हम जरूर पसंद आएंगे बेटा, ये हम गारंटी लेते हैं। पापा जी और माँ राहुल के साथ बात पक्की करने आए थे और राकेश के मुंह से ये बात एक बार भी नहीं निकली, बड़ा अजीब है। आप
पाए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताइए, वो आपका एक दोस्त था ना मोहन, मोहन वो तो 2 साल हो गया यहाँ से कहीं बाहर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, रख दो बेटा रख दो, रख दो। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे चाय वाय तो सब चलती रहेगी मेरी नाथ जी। हम क्या कह रहे थे कि भाई हम लोगों की बातचीत तो हो ही चुकी है टेलीफोन पर, अब जरा इन बच्चा लोग को भी आपस में बातचीत कर लेने देते, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो होना ही चाहिए। क्यों नीता? वो तो कंस्ट्रक्शन साइट पर है, वो सुबह ही निकल गए रोज की तरह, अभय भी उनके साथ है साइट पर। आपके पति ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो क्यों झूठ बोलने लगे, उन्होंने सही ही बोला होगा, जरूर आप लोगों ने कुछ गलत सुन लिया होगा। हमने तो कुछ गलत सुना नहीं, पर इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। हम फिर से आपके पति से बात करेंगे, पर इस बारी बारीकी से करेंगे। सर ये कैसा सवाल है? क्या आपका बेटा राकेश नीता और राहुल की शादी की बात को लेकर नाखुश था? क्यों नाखुश होता? हम राकेश के पिता हैं, नीता के दादा, हमने खुद नीता की शादी की बात फिक्स की थी, इसमें किसी को आपत्ति होने की क्या बात है? हमें साफ साफ लग रहा है कि आपके बेटे राकेश को इस शादी की बात से आपत्ति थी, वरना वो हमसे झूठ नहीं बोलता। आपत्ति थी तो आपसे झूठ बोलने की बजाय हमसे ना सच बोल देता राकेश, कह देता कि बाबूजी हमको ये रिश्ता पसंद नहीं, लेकिन उसने ये बात कभी नहीं कही। राकेश, मनोहर जी अपनी पत्नी राधा जी और पोते राहुल के साथ कल सुबह 11 बजे रांची स्टेशन पहुंचेंगे। कमल और उसकी पत्नी विद्या बाद में आएंगे, क्योंकि कमल को अभी छुट्टी नहीं मिली है। बाबूजी ये सब एकदम से अचानक? अचानक क्यों, तुम्हार बहू तो नीता के लिए लड़के देख ही रहे थे ना? हाँ बाबूजी, और कईयों से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन आपने राहुल को फिक्स कर दिया। राहुल को लेकर तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं, आपत्ति जैसा कुछ नहीं है, पर आज से पहले वो राहुल की बात कभी नहीं उठी ना, इसलिए। उठी नहीं क्योंकि राहुल कभी नजर में नहीं आया था, अब जब नजर में आया तो हमें लगा कि अरे हम तो इसे बचपन से जानते हैं, इसलिए फिक्स कर दिया। यकीन करो ये नीता के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों बहू, तुम्हारा क्या विचार है राहुल के बारे में? अगर आपने तय किया है तो सही ही होगा, हम क्या बोले। नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या खोद निकाला? मैडम कोई लोकल सेटिंग तो नजर नहीं आ रही। गोलियां चली हैं 4-4, टोटल 8 सेटिंग तो हुई है और तुझे नजर नहीं आ रही। मैडम ऐसा है ना, ब्रिजनाथ जी कोई मामूली इंसान नहीं, रामधीर केमिकल्स जो आज इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है, और ऊपर से वहाँ के वर्कर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी काफ़ी चाहते हैं उनके, और काफ़ी रुतबा उनका, गांव में इज्जत भी है, और ऐसे बंदे के घर में आए मेहमानों को कोई मारने की हिम्मत क्यों करेगा? सारे गांव वाले तो ऐसे ही बोल रहे हैं। शायद गाँव वालों को कुछ पता पर डर के मारे सब चुप है। डरे हुए लग तो नहीं रहे, ब्रिजनाथ जी कोई दबंगी या बाहुबली तो है नहीं, और नहीं उनका किसी से 36 का आंकड़ा। उनसे नहीं था पर उनके मेहमानों से ज़रूर था। सुनील एक काम कर, और गहरा कहीं से कोई ना कोई जरूर हुआ है। अमित को पगार मिला ना? हाँ शादी का बात हुआ था लेकिन अब तक कुछ पक्का नहीं था। राकेश चौहान, तुम्हारी दलीलों की इमारत काफी कच्ची है, फिर बात घुमाओगे तो ढेर हो जाएगी। हम तुमसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और तुम वही जवाब दे रहे हो कि वो लोग यहाँ पर ऐसे ही आए थे मिलने के लिए, कैजुअल विजिट पर। हाँ ऐसे ही आए थे बात करने, लेकिन कुछ पक्का नहीं हुआ था। पर वो आए थे ना बात पक्की करने, दोनों तरफ से रिश्ता तय होना था ना, उनका तुम्हारे घर पे आने का मकसद, तुम्हारा उनका खातिरदारी करने का मकसद, शादी पक्की करनी था ना, तो तुमने बार बार एक ही बात का जाप क्यों लगा के रखा है कि वो ऐसे ही आए थे मिलने के लिए कैजुअल विजिट पर। हमारे लिए तो वो दूर के रिश्तेदार थे, रहने आए थे। शादी उदी का बात बाबूजी के साथ हुआ था, हमको कोई डिटेल मालूम नहीं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो यूं ही आए थे। और तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो बातों को गोल गोल घुमा रहे, अपने खुद का मकसद छुपा रहे हो तुम। हमारा काहे का मकसद जी, आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम का घर में अकेले थे जिसे ये शादी का खबर मिला था, बाबूजी सबको बताए, सरिता को, अभय को, नीता को, क्यों राहुल को चुने हैं,
ये खबर सुनकर तो हम भी चौंक गए थे कि राहुल अचानक कहां से आ गया। हम तो नीता से बात भी किए थे इस बारे में। नहीं पापा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दादू ने तुझसे पहले कुछ नहीं कहा था नीता? नहीं भैया, हमें अभी अभी पता चला है। ये तीनों लड़के बढ़िया थे, अच्छे घर थे, तूने इनमें से कोई पसंद नहीं किया? पापा, हमें हमारा लाइफ पार्टनर चुनना था, कोई बिंदी का पैकेट या दुपट्टा नहीं है ना ये। थोड़ा सा टाइम मांगा था आप लोगों से, लेकिन अगर उतनी देर में अब दादू ने ये राहुल वाला बॉम्ब फोड़ दिया तो अब हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? इसका मतलब तू राहुल से शादी के लिए राजी नहीं है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तू राजी है? यार पापा, ये क्या आप लोगों ने सवाल लगा रखे हैं? जिसने ये एक तरफा डिसीजन लिया है उनसे जाकर पूछे ना, अब हमारी क्यों क्लास ले रहे हैं? पक्का तूने दादू से राहुल के बारे में कोई बात नहीं की? नहीं पापा, हम राहुल को जानते तक नहीं है, वो तो हमारी दिमागी रडार में भी नहीं आता है। तो फिर अचानक उसकी बात कहां से आ गई? I don't know, अब उनसे जाकर पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो तुम खुश नहीं थे इस रिश्ते की बात से? राहुल से कुछ खास आपत्ति नहीं थी हमें, बस हर एक बाप की तरह हम भी अपनी बेटी के लिए टॉप का रिश्ता चाहते, जो सेटल हो, अच्छा इंसान हो। तीन लड़कों की बात आई थी हमारे पास, पर जो हमारे दादू है ना, उन्होंने अपनी बात रख दी, तो बस रख दी। बस बात रखा था, पक्का नहीं हुआ था। और बात पक्का होने से पहले ना लड़का रहा और ना ही उसका दादा। हम आपका इशारा खूब समझ रहे हैं, आप हम पर उंगली उठा रहे हैं ना? आप ही ने मौका दिया हमसे झूठ बोलकर। अगर हमें लड़का ना पसंद भी होता ना, तो हम इतने नहीं पगला गए थे कि अपने घर आए मेहमानों को घर से दूर ले जाकर गोली मार देते। आप हम पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला भुवनेश्वर से जुड़ा हो, जिसे यहाँ अंजाम दिया गया ताकि सबकी सुई हम पर उठे? एक तीर से दो निशाने साधे गए। हम मेजबान थे, शादी की बात चल रही थी और हमारे घर में ये शर्मनाक कांड हो गया। बेटा कमल, माफी मांगू तो वो भी किस मुंह से? देखिए, हमने आपसे माफी मांगने के लिए नहीं कहा है, बस आपसे एक सवाल का जवाब मांगा है कि क्या आपके घर में इस रिश्ते को लेकर किसी के मन में कोई खटास, कोई आपत्ति या कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर किसने ऐसी दुश्मनी निभाई जो मेरे पापा जी को और मेरे इकलौते बेटे को इस तरह मार दिया यहाँ करसीबाग में? मनोहर चौधरी नाम, वो और उनका पोता राहुल चौधरी मारे गए। ठीक है, मैं इस फैमिली की सारी डिटेल्स निकाल कर आपको भेजता हूँ। देखिए, हमें एक एक डिटेल चाहिए। इस मनोहर का बेटा कमल चौधरी कॉमन ट्रस्ट बैंक पांडव नगर में सीनियर मैनेजर है। जी, नोट कर लिया है। हमें डाउट है कि जब ये भुवनेश्वर से यहाँ करसीबाग के लिए निकले थे तब इन पे स्पॉट लग चुका था, कोई था जो इनका पीछा कर रहा था। आप अपने खबरियों को इसके पीछे लगा के इसका पता करवाइए। आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपने सारे खबरियों को लगा देता हूँ। थैंक यू संजीव जी। सर, साइबर सेल से फोन था, कल शाम तक राहुल का फोन अनलॉक कर देंगे। दुबे, मुझे इन सारे लोगों के फोन रिकॉर्ड चाहिए। बृजनाथ चौहान, राकेश चौहान, अभय चौहान, नीता चौहान, मनोहर चौधरी, राहुल चौधरी और कमल चौधरी, इनकी फोन कंपनी वालों से कहना अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। एसपी साहब का लेटर भी अटैच कर देना। ये पॉसिबल है कि भुवनेश्वर से करसीबाग तक उस फैमिली का पीछा एक से ज्यादा लोगों ने किया होगा, फिर करसीबाग में एक दिन का वेट किया होगा और अगले दिन सुबह वो लोग बिजनाथ की कोठी में दाखिल हुए होंगे। मनोहर चौधरी और राहुल को किडनैप किया होगा, घर से थोड़ा दूर ले जाके उनका मर्डर कर दिया होगा और भुवनेश्वर लौट गए होंगे। वो जरूर एक से ज्यादा रहे होंगे। टेरेस का लैश तोड़ना, बंदूक की नोक पर दो सोए हुए लोगों को बिना आवाज किए किडनैप करना, बाहर ले जाना और फिर शूट आउट, ये बात हमें भी खाई जा रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली एक बात हमारे सामने थी। अगर बाहर से अंदर आकर ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान है, तो फिर घर के अंदर से यह करना तो दूर भाग। सर, अगर बृजनाथ के घर में कोई मास्टरमाइंड है तो राकेश ही रहा होगा। और सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि उसी कमरे में सोई राधा जी को इतना सब होने के बाद भी जरा भी भनक नहीं लगी। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वो राधा जी को अपने साथ लेकर नहीं गई। सर, हो सकता है उनके टारगेट्स सिर्फ मनोहर जी और राहुल ही थे। सर जी, हम करसीबाग को ही बिलोंग करते हैं। डिग्री के बाद 2 साल से हम जमशेदपुर में ही हैं। वहीं की एक स्टील कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट में मैनेजर लेवल की जॉब है हमारी। तो तूने अपना ये मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस इस कांड को करने में लगाया, जमशेदपुर से प्लानिंग मैनेज की तूने। ये दोनों कत्ल तूने किससे करवाए? सर, हम हाथ जोड़ते हैं, आप हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। हमको तो मालूम भी नहीं था कि नीता की शादी होने वाली है, और अगर मालूम होता भी तो हम क्या कर लेते? किसी को मरवा कर हमको क्या मिलता सर? और नीता ना हमारी कभी थी ना होने वाली थी, तो उसके पीछे पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करते सर हम? यहाँ काफी कुछ खंगाला है, पर अभी तक कुछ क्लियर सामने नहीं आया है।
खबरी लगाया है, काफी गहरी तहकीकात की है, लेकिन सॉरी कुछ भी सामने नहीं आया। हिस्ट्री शीटर्स की स्कैनिंग हुई? हमने तो काफी को तोड़ा और काफी खबरियों को भी लगाया, लेकिन ये साजिश काफी गहरी मालूम होती है, क्योंकि भुवनेश्वर से करसीबाग बिहार के बीच काफी कुछ हो सकता है, लेकिन उसका मोटिव तो सामने आया। पुलिस वाले कह रहे हैं बॉडीज परसों हैंडओवर करेंगे, क्या करें मां? क्रियाक्रम यही करें या भुवनेश्वर ले चले? हम क्या बोले बेटा, जो तुझे ठीक लगता है कर ले। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टारगेट मनोहर चौधरी था और राहुल कोलैटरल डैमेज, बिना वजह मारा गया। तुम्हारा इशारा कमल चौधरी की तरफ है और हम भी उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे हैं। सर ये भी हो सकता है कि टारगेट राहुल था और मनोहर चौधरी कोलैटरल डैमेज, और सर ये भी हो सकता है कि उस राहुल या नीता का कोई पास रहा हो, जैसे कि वो सुरेन, हो सकता है वो भी इन्वॉल्व हो और आप लोगों के सामने बन रहा हो। हमने फाइनली नीता को थाने पूछताछ के लिए बुलाया। हमें स्ट्रांगली लग रहा था कि उस घर में कुछ ऐसा था जो हमसे छुपाया जा रहा था, और जब हमें पता चला तो हम शॉक रह गए। कैसा शॉक? देखो नीता, हम ये जानते हैं कि तुम कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते, इसलिए सीधे सीधे बता दो ये दोनों कत्ल किसने किए। तुम राहुल से शादी नहीं करना चाहती थी ना, तुम अपने दादा के इस फैसले से ओके नहीं थी। ऐसा नहीं था, हम इस फैसले से ओके थे। तो फिर कैसा था, कौन शामिल थे? तुम्हारे पिता राकेश और बड़ा भाई अभय, और क्या तुम्हारी माँ सरिता और तुम्हारे दादा बृजनाथ, इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? चलते हैं बाबूजी। सर हमें कुछ भी नहीं मालूम है, जब ये सब हुआ हम सो रहे थे अपने कमरे में। उसी कमरे में तुम्हारा बड़ा भाई अभय भी सोता है? जी। जब तुम उठी अभय कमरे में था या नहीं था? हम तो सबसे लास्ट उठे थे जब सब मेन रूम में थे। उस दिन जब मनोहर उनकी फैमिली आई, खाना वाना हुआ, तो तुम्हारी और राहुल की बातें हुई थी? जी सर हुई थी। क्या बात हुई थी? फॉर्मल सी बातें हुई थी, एक दूसरे की पसंद नापसंद को लेकर, फ्यूचर प्लान्स वगैरह। वो तुम दोनों की पहली मुलाकात थी? हाँ सर, मतलब इसके पहले बचपन से अभी तक कभी कभार रिश्तेदार की शादी में देखा था, पर बात नहीं हुई थी। इससे पहले जब तुम्हारी राहुल से बात हुई थी, कभी उसने तुमसे अपने पास्ट के बारे में डिस्कस किया था, कोई एक्स वगैरह, या फिर तुमने बताया हो अपने किसी एक्स के बारे में? सर हमारा कोई एक्स नहीं था, और राहुल ने भी ऐसा तो कुछ नहीं कहा हमसे। राहुल तुमसे शादी करना चाहता था? नहीं चाहता था, ऐसा तो नहीं कहा। और तुम? हाँ दादू की मर्जी थी। दादू की मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी नहीं थी? ऐसा नहीं था। फिर कैसा था? सर मैं बात मानती हूँ उनकी। जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं थी, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन हमारे घर में आया है, किसने ये सब कर दिया है। सर हमें कुछ भी नहीं मालूम है। छत की जो कुंडी टूटी हुई थी, वो सच में बाहर वालों के हाथों से टूटी थी या फिर घर के अंदर के लोगों ने तोड़ी थी हमें गुमराह करने के लिए? सर हम कब से आपसे एक ही बात कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हम अपने कमरे में सो रहे थे, जब आंख खुली बाहर आए तो देखा कि पूरा घर मनोहर जी और राहुल की खोज में है। क्या हम जा सकते हैं? थैंक यू। ये कह तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो ये नहीं कह रही है। सर इसका भी पास्ट हो सकता है, ग्रेजुएट है, इसके कॉलेज में छानबीन करते हैं। जी मुझे एक साल के फोन रिकॉर्ड चाहिए। जी हाँ एक साल के, सुपर अर्जेंट है। मैं समझता हूँ कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि चार गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरे एक साल के फोन रिकॉर्ड चाहिए। सब पूरा का पूरा रूट? हाँ पूरा का पूरा रूट, भुवनेश्वर से लेकर रांची तक, और रांची पहुँचने के बाद अभी और लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन करने बाकी हैं। शुरुआत मैंने राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड से की, और पता चला कि बंदा पूरे रास्ते नीता के साथ टच में था। हाँ बस स्टेशन पहुँचे,
आकर मिलते हैं। ठीक है जल्दी से आ जाओ, हम भी तुम्हारा वेट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट तैयार हो रहे हैं फुल ऑन शर्मीली सी सुशील सी नारी वाली एक्टिंग करने के लिए। हाँ, हम भी भोला भाला गुड बॉय बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। चलो अब रखते हैं, ये लोग गाड़ी में बैठ गए। सी यू सून, आई लव यू। लव यू टू बेबी। मतलब ये नीता भी झूठ बोल रही है। इन दोनों की पहली बार बात करसीबाग में हुई नहीं थी। सर, भुवनेश्वर से लेकर करसीबाग का सफर तो छोड़िए, ये लोग पिछले एक साल से टच में, लगभग रोजाना बातें हो रही। मैंने नीता के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, इन लोगों का शायद कोई अफेयर चल रहा है। दो लोगों के कत्ल की साजिश रची गई, दो लोगों में होने वाली शादी की बात की साजिश रची गई, इन दोनों के बीच में कोई तीसरी साजिश की गई थी। हालांकि सिर्फ पहली साजिश सफल हुई, मनोहर चौधरी और उनके पोते राहुल चौधरी के कत्ल की साजिश। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये साजिश नीता से होने वाले रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन इससे एक और बात उठती है कि शायद चौधरी परिवार को करसीबाग बुलाने में ही अपने आप में एक साजिश हो। मतलब हो सकता है उनको कत्ल करने के इरादे से ही बुलाया गया हो। यहां एक साजिश नहीं थी, एक से ज्यादा थी। इस शादी की बात शुरू होने के पीछे भी एक साजिश थी और उसका एक छोटा सा छोर हमारे हाथ लग गया। बस हम उस छोर की बाल की खाल निकालने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन अब नीता और राहुल पर केंद्रित हो गई थी और इस केस की तहकीकात में कई चौंका देने वाले मोड़ आने वाले थे। अब तक सबसे छुपे कई गड़े मुर्दे अपने आप दुनिया के सामने आने वाले थे। फिर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता आसान नहीं था। इस जुर्म की जड़ों तक पहुंचने में अभी काफी मेहनत बाकी थी। बल्कि पूरे इलाके और जिले में बहुत इज्जत से लिया जाता है, बस उस नाम को हल्का ना होने देना। दादू, हम चलते हैं। नीता, रुक, चल, हम तुझे ड्रॉप कर देते हैं। नहीं भैया, हम चले जाएंगे। बोला ना, बैठ, चल। राम राम भैया। राम राम। बोलो, क्या हाथ लगा? अभी सिर्फ छुआ है, हाथ लगाना बाकी है। छुआ, देखा, सूंघा, जो भी है बोलना यार। राम कुमार, राम कुमार नाम है लड़के का। क्या भैया, क्या इतने भी क्रेजी नहीं होते लड़की के पीछे? ये राम कुमार नीता चौहान के साथ कॉलेज में पढ़ता था। मतलब लव स्टोरी? वही तो कह रहे थे हम आपसे कि सिर्फ छुआ है, पूरी हिस्ट्री आप इस राम कुमार से ही जान लीजिए। कहाँ मिलेगा ये राम कुमार? यहीं रांची में रहता है, मिलकर राम राम कराइए। झूठ? हमने कौन सा झूठ बोला है सर? सच जानकर सच ना बताना, वो भी झूठी होता है नीता। किस सच की बात कर रहे हैं आप सर? उस सच का नाम है राहुल चौधरी। ये कोई पहली बार नहीं था जब तुम और राहुल मिल रहे थे। हाँ सर, तो हमने कहा तो था आपसे कि हम बचपन में रिश्तेदारों की शादियों में मिलते थे और फिर बड़े होने के बाद एक साल पहले किसी दूसरे रिश्तेदार की शादी में मिले। नीता, नीता, करसी बाग की कचौरी। राहुल, भुवनेश्वर के चमचम। हाय। वाओ, बड़ी हो गई हो। तुम तो अभी भी हाफ पैंट में हो, नाक बहरी है, चबी चबी गाल है, क्यों? वैसे क्या कर रही हो आजकल? कॉलेज या? हाँ, फाइनल ईयर बीकॉम में हूँ। तुम? जॉब और एमबीए के एंट्रेंस की तैयारी एक साथ, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अरे नीता, हमने बताया था सर आपको कि इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार ढंग से बातें हुई। ये ढंग से बातें ना तुम्हारी पूरे एक साल से हो रही थी। ये रहे तुम्हारे और राहुल के फोन रिकॉर्ड्स। राहुल चौधरी भुवनेश्वर से रांची तक के पूरे सफर के दौरान तुमसे बात कर रहा था। माजरा क्या है? ये जो दो कत्ल हुए, हमें शक है कि किसी बाहर वाले ने घर के अंदर दाखिला लिया और हमें ये भी शक है कि उसे दाखिला किसी अंदर वाले ने दिया है। मैं समझी नहीं। राहुल चौधरी और तुम्हारी शादी की बात कोई अचानक से उठी बात तो थी नहीं जो तुम लोग अभी तक बोलते आए हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये हम नहीं जानते। हम ये जरूर जानते हैं कि तुम ये जानती हो जो हमें बता नहीं रहे हो। बेबी। नीता, कंट्रोल। यहाँ किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जानते हैं
लेकिन अगर कोई अंधा भी हम दोनों को इस तरह देखेगा ना, तो बोलेगा कि हमारा कोई पास्ट है, हमारी केमिस्ट्री देखकर। केमिस्ट्री को गोली मारो, अगर यहाँ किसी ने हम दोनों को देख लिया ना, तो हमारा फ्यूचर हिस्ट्री बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया अब तक सब कुछ, तो एटलीस्ट हमारी शादी तक इस नाटक से पर्दा नहीं गिर सकता। लेकिन इस पर्दे के पीछे हम दोनों के बीच में तो कोई पर्दा नहीं है ना। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला यार, मेरा बेबी। कौन बोलेगा तेरी गुड बॉय सी शक्ल देखकर। नीता, लिमिट में अगर किसी ने हमको देख लिया तो नाटक फ्लॉप, अंडरस्टैंड? व्हाटएवर, तुमसे ना हो पाएगा। सर, हम किसी से नहीं कह सकते थे कि हम पहले मिले थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। हम जब उस शादी में पहली बार मिले, उसके बाद हम फिर से मिले थे और वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। पी लो, हम माँ से कहकर आए कि हम दो बूढ़ी आंटियों के लिए लेके जाएंगे, हमें खाली बॉटल वापस ले जानी है। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये वाली ना खत्म हो गई, अब हमें एक में से ही पीना पड़ेगा। कल जा रहे हो? तुम अपने यहाँ जॉब पे रख लो, नहीं जाएंगे। फोन करोगे? तुम उठाओगी? अगर नहीं उठाया तो समझना कोई आसपास है, रेड सिग्नल, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा हम तुम्हें फोन करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। सिर्फ बातों से दिल भरेगा? अब हम तो भुवनेश्वर नहीं आ सकते, तो तुम आ जाया करो ना किसी बहाने। बहानों के ऑप्शन तो दो। MBA तुम करने वाले हो ना, तुम करो ना मैनेजमेंट, बहानों की। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन इस बारे में किसी को बताने की सोच भी नहीं सकते थे। आगे की सोचना तो दूर की बात थी। तो तुम दोनों की शादी की ये बात अचानक से नहीं उठी थी, इसे प्रॉपर प्लान किया गया? अचानक हुआ ऐसा दिखाने के लिए प्लान किया था। रामकुमार जी, आप सुनील हैं? आप है कौन और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ जानना है। मुझसे क्या जानना है? नीता चौहान के बारे में। नीता चौहान? करसी बाग वाले बृजनाथ चौहान की पोती, राकेश चौहान की बेटी, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही क्लास में थे ना दोनों, और सुना है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ, तो उसके बारे में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? तुम्हारे दोस्त नीता चौहान की होने वाली थी शादी किसी राहुल चौधरी के साथ, भुवनेश्वर के थे वो लोग, लेकिन राहुल चौधरी और उसके दादा मनोहर चौधरी का कत्ल हो गया। क्या? कौन कर सकता है ये? कोई घायल आशिक था कॉलेज में, नीता जिसकी होना पाई। यहाँ पापा ने हमें लड़कों की फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू कर दिया, और वहाँ भुवनेश्वर में राहुल के पेरेंट्स उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था सर, हम इतने परेशान थे कि करें तो क्या करें। ऐसी धमकियाँ तुमसे तगड़ी हम दे सकते हैं, हमको तुम अबला नारी तो ना ही समझो। हमारे पापा ने भी हमारे लिए US वाला लड़का देख रखा है। एक काम करते हैं, हम उसे हाँ कह देते हैं। यार नीता, तुम तो सीरियस हो गई, हम मजाक कर रहे थे। देखो, यहाँ पापा ने हमको भी 3-3 लड़कियां दिखा रखी हैं। तुम्हें लगता है हम तुमको छोड़ के किसी और लड़की के बारे में सोचेंगे? फिर आगे से ऐसी बात कभी मत करना, हमको रोना आ जाता है। अच्छा चलो, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तुमने कुछ सोचा? अगर हम घर पर कुछ भी कहेंगे ना, तो समझ लो दादू और पापा तो वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तुमने कुछ सोचा? हमने तो काफी कुछ सोचा है, मगर हमारी रिश्तेदारी भी तो है। अगर हमने कुछ कहा और उन्होंने हमारा रिश्ता परमानेंटली कैंसिल कर दिया तो? उन्हें जो करना है वो करे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारी शादी तुमसे नहीं हुई ना राहुल, हम सच कह रहे हैं, हम मर जाएंगे। ये क्या मरने वरने की बात लगा रखी है? अच्छा, हम कुछ सोचते हैं। राहुल ने पूरा प्लान बनाया था और सब कुछ सही जा रहा था, सब ठीक से हो रहा था। एक साल, पूरा एक साल से? हाँ दादू। अरे मंजू के बिटिया लक्ष्मी के शादी में पिछला साल गए थे ना, उसके बाद तो करसी बाग जाना हुआ ही नहीं। दादू फोन पे बात करते थे, वीडियो चैट करते थे। ना नीता के घर वालों को इसका पता चला और ना यहाँ। बाप बेटा,
आप उनको दाद दे रहे हो कि हमारी फिरकी ले रहे हो? अरे फिरकी का, हमारी तो धज्जियां उड़ जाएंगी जब ब्रिजनाथ जी को पता चलेगा कि हमारा पोता राहुल उनकी पोती को दिल दे बैठा है। वो भी हमसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है हमसे। ब्रिजनाथ जी और उसके घर वाले नहीं ना मानेंगे, ऊपर से हमारी रिश्तेदारी, समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? हमें अभी प्रॉब्लम सुनने नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन जानने है। तुम चाहते का हो? हमारी लाइफ बचा लो, यहाँ मम्मी पापा हमारी सेटिंग किसी पूजा नाम की लड़की के साथ करा रहे हैं, वहाँ उस नीता का बाप उसकी फील्डिंग किसी यूएस वाले लड़के के साथ करा रहा है। ये बाप बाप क्या लगा रखा है? तेरा रिश्ता पक्का हो गया तो तेरा होने वाला ससुर है वो। लेकिन आप कुछ कीजिए, हमारी लाइफ आपके हाथ में। पर बात चलाने से पहले क्या करें, हम नीता को तो जानते तक नहीं है। आप जानो ना जानो, हम नीता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। रुको, आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। अच्छी है तेरी पसंद? अरब जमेगी जोड़ी, सोचते हैं क्या करना चाहिए। नहीं नहीं दादू, सोचने का टाइम ही नहीं है, आप जल्दी से फोन उठाइए, लगाइए बिजनाथ जी को फोन। फोन तो हम कर देंगे, लेकिन बोलेंगे कहा, कुछ सीन तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाते हैं सीन। आप पहले तो ऐसे ही हाय लो, कुछ भी इधर उधर की बातें कर देना, हालचाल पूछ लेना, फिर सीधा नीता का टॉपिक निकाल लीजिए। अचानक से कह दीजिए कि आपके मन में ख्याल आया कि राहुल और नीता की जोड़ी कैसी रहेगी। राहुल के दादा दादी हमारे घर भी आ गए थे, और फिर पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया। तो तुमने और राहुल ने अपना किरदार निभाया, और राहुल के दादाजी ने इसमें मदद की। इस प्लान को एक ऐसा रंग दिया गया मानो दो बुजुर्गों के बीच अचानक से हुई बातों बातों में बन गया। जी तो क्या तुम्हारी फैमिली में पहले से किसी को इस बात की भनक लग गई थी? पक्का तूने दादू से राहुल के बारे में कोई बात नहीं की? दादू ने तुझसे पहले कुछ नहीं कहा था नीता? जहां तक हमें मालूम है, हमें राहुल और उसके दादू के अलावा तो किसी को इस प्लान के बारे में नहीं पता था। ये मानना मुश्किल है नीता, क्योंकि अगली ही सुबह राहुल और उसके दादाजी की इतनी भयंकर और अजीब तरीके से हत्या कर दी गई। देखो नीता, डरो मत कि हत्यारे तुम्हारे पापा और तुम्हारा बड़ा भाई अभय। जी नहीं सर, प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या ऐसा हो सकता है कि जहां एक तरफ नीता, राहुल और मनोहर वाली साजिश चल रही थी, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कोई और साजिश रची जा रही हो? हो सकता है राहुल और मनोहर को करसीबाग बुलाकर उनको मारने का प्लान हो। अगर दूसरी साजिश पर फोकस करें तो इस मर्डर के प्लान के पीछे नीता का बाप राकेश, भाई अभय और दादा ब्रजनाथ भी शामिल हो सकता है। भाई आप ही आओगे हमारे घर में, ये तो तय रहा। ब्रजनाथ भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में, हमने किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा। नीता और राहुल के पहले लव इंटरेस्ट को भी टटोला, तब जाकर ये सुरेंद्र सामने आया। मैडम, बंदे का नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव है, फिलहाल जमशेदपुर में। कॉलेज की प्रेम कहानी है? ऐसा नीता के क्लासमेट रामकुमार ने बताया। सुरेन लट्टू था उस पर और 2 साल सीनियर था कॉलेज में। और नीता? मैडम नीता का पता नहीं राम को, लेकिन राम बता रहा था कि सुरेन काफी सीरियस था उसको लेके। वो होता ना मैडम पागलों वाला प्यार। पागल वाला प्यार तो था सर, लेकिन इतना पागल भी नहीं सर कि हम कुछ कर लेते। देखिए सर, आप जमशेदपुर से हमको उठा के लेके आए हैं यहाँ पर। हमने खुद कबूल किया है ना कि हम उससे प्यार करते थे। तो ये हम पर कोई मेहरबानी नहीं की तुमने? सर जी, नीता के दादा ब्रजनाथ चौहान काफी पावरफुल आदमी है, और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनके सामने जाकर कुछ कह सकें, इसलिए हमने अपना सारा लव, सारा जोश सब दबा लिया था अंदर। और दो दो मर्डर करने के लिए सारा जोश बाहर आ गया। ऐसा मत कहिए सर, हमने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को थप्पड़ तक नहीं मारा, और नीता को लेकर जो भी था हमारे दिल में वो बस हमने अपने दिल तक रखा, किसी को कुछ बोला भी नहीं हमने। बेटा अगर कभी किसी को कुछ बोला नहीं होता ना, तो इस वक्त यहां हमारे सामने तू बैठा नहीं होता। हाँ मतलब हमने बस अपने कुछ दोस्तों को बताया था इस उम्मीद में ताकि वो नीता को जाके हमारी फीलिंग्स बता दें, और हमें पता चल जाए कि उसके मन में हमारे लिए है कि या नहीं। अगर उसके मन में भी कुछ हो तो तेरी लॉटरी लग सके, जो लॉटरी तूने अब लगाने की प्लानिंग की, राहुल और उसके दादा मनोहर जी को मारकर। ये रास्ते सब हम पीछे छोड़ चुके हैं, नीता को लेकर जो भी था हमारे दिल में, उसकी यादें, सब कुछ। हमारी कॉलेज का सुरेंद्र श्रीवास्तव, वो हमारा सीनियर, हमारे पीछे पड़ा था। हाँ, अब जमशेदपुर में जॉब करता है। सॉरी मैडम, हमें तो इसके बारे में पता तक नहीं था, और जब वो खुद कह रहा है कि एक तरफा था तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहा है एक तरफा था, तुम्हारी तरफ से क्या था? हमें तो उसका फेस तक याद नहीं, और वैसे भी हमें राहुल के अलावा
और कोई दिखता ही नहीं था। ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं? हाँ, जवाब दो। यही सवाल तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ही रखे थे ना सबसे पहले राहुल का नाम। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नीता और राहुल के बारे में पहले से पता चल गया था और आप ही ने गुस्से में आकर? पापा जी रुको। मैं बाबूजी माफ कीजिएगा जो हम इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपको पता चल जाता कि नीता और राहुल का पूरे एक साल से हमारी पीठ पीछे कुछ चल रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप क्या रवैया अपनाते ये चौधरी परिवार के खिलाफ? पगला गई हो क्या तुम? अपने पापा, दादू, भाई और हम पर भी शक कर रही हो? मम्मी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत प्यार करते थे हम राहुल से, और अब हमें गिल्टी फील हो रहा है कि हमारी वजह से वो मारा गया। दुख तो हमको भी है इस बात का कि ये सब तुम्हारे और राहुल के बीच में रचा गया, और जब ये सब हुआ तो मारा गया वो, उसके दादाजी मारे गए और कटघरे में हम खड़े हैं। हम चाहते थे कि नीता का शादी यूएस वाले लड़के अभिषेक के साथ हो जाए, क्योंकि वो हमें पसंद था और है। लेकिन जब से आप राहुल के बारे में बात किए ना, तो हम अपना मन बदल दिए। आप चाहें तो अभय से पूछ लीजिए, हम उससे कहे थे कि नहीं। हाँ दादू, पापा जी ने हमसे ये बात कही थी। देख, जो होना था सो हो गया। कल दोनों सब कमल के हवाले करने वाले हैं। हमने कमल से कहा है कि अंतिम संस्कार यहीं कर लो, करसी बाग में। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पुलिस खामा खाम पर शक कर रही है, घर में सबूत खोज रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा मर्डर का प्लानिंग वहां भुवनेश्वर में रचा गया हो, और जो हत्यारा है उसने सोचा होगा कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, वो मारे भी जाएंगे और पूरा शक हमारे परिवार पर आएगा। 19 तारीख का टिकट बुक कराए हैं। अरे बाबूजी, 19? तुम्हारा मतलब है कि कमल? हो सकता है कमल ने अपने पिता से तंग आकर उनकी सुपारी दे दी हो, और राहुल बेवजह मारा गया। और अगर राहुल जिंदा रहता ना, तो कातिलों के लिए मुश्किल होती, इसलिए उसे भी मार दिया। और वैसे भी एक फैमिली में बाप बेटे का एक दूसरे को मरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाबूजी। ब्रिजनाथ जी कह रहे हैं अंतिम संस्कार यहीं कर दो। मेरे बाबूजी और राहुल यहाँ आए थे राहुल की जिंदगी की एक नई शुरुआत करने, और यहाँ तो सरिता जी ने सब कुछ हमें बता दिया कि कैसे राहुल और नीता ने मिलकर ये प्लान बनाया था और बाबूजी ने उनका साथ दिया। हमें भी तो अभी पता चला है विद्या, दुख हो रहा है। राहुल ने इतनी बड़ी बात हम दोनों से छुपाई, पापा जी ने यह सारी साजिश रची बिना किसी को कुछ बताए। यहाँ तक कि ब्रिजनाथ जी और राकेश जी भी ये कहते हैं कि उन्हें राहुल और नीता के इस अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो कह रहे होंगे, लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि चौहान परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। सर, सुरेंद्र श्रीवास्तव की एक एक डिटेल चेक की है, इसका इस केस से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन बन नहीं रहा है। उसकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो खेल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ब्रिजनाथ और राकेश चौहान के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ भी नहीं। इनके सारे कॉल रिकॉर्ड चेक हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। राकेश, ब्रिजनाथ, सरिता, अभय और नीता, सबके फोन रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है सिवाय एक चीज के। क्या सर? ये एक नंबर, एक महीने पहले वाला स्विच ऑफ है। हाँ, इस नंबर से ब्रिजनाथ को दो बारी कॉल्स किए गए, एक 12 सितंबर को और एक 13 सितंबर को, और यही एक नंबर ऐसा है जिसका कोई सोर्स नहीं। सर, कमल वाला भुवनेश्वर एंगल डेड एंड। सर, भुवनेश्वर वाले एंगल से कोई छोटी सी भी लीड नहीं मिली, वहां की पुलिस टीम ने काफी मेहनत की। भुवनेश्वर से रांची के बीच जितने भी सेल फोन टावर्स हैं, सब सोर्स किए गए हैं और हमने हजारों नंबर्स मैच किए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि इशारा करे कि कोई भी चौधरी फैमिली को भुवनेश्वर से फॉलो कर रहा था। और हमें कोई ऐसा कॉमन नंबर भी नहीं मिला जो कि उस दिन आपके करसी बाग में मौजूद था। इस राहुल और कमल का कोई एंगल? हमने इस एंगल में काफी बारीकी से तहकीकात की। इस कमल और उसके पिता मनोहर के बीच कभी कोई अनबन नहीं रहा, और उसका लड़का राहुल तो अपने पिता से काफी क्लोज था। राहुल की कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड या किसी से कोई दुश्मनी? जीरो। उसके कॉलेज में कोई हिस्ट्री नहीं था, सिर्फ पढ़ता था वो, और कुछ नहीं। दीपक जी, वहीं कुछ अंदर का मामला होगा जो शायद सामने नहीं आ पा रहा है। सामने तो सिर्फ एक अजीबोगरीब सीन ऑफ क्राइम है कि दो लोगों को सुबह सुबह घर से बाहर ले जाया गया और घर से थोड़ी दूर ले जाकर उन दोनों को गोलियां मार दी गई।
और सर ऐसा भी नहीं है कि कत्ल एक रात पहले हुए हो और अगली सुबह लाशों को ले जाके खेतों में डंप किया गया हो ताकि हमें मिसलीड किया जा सके, क्योंकि सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ पता चलता है कि मर्डर 21 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में हुए हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि वो बंदे घर के अंदर आए कैसे और कैसे दो लोगों को घर से बाहर ले गए, और सबसे बड़ा सवाल क्यों, कहीं ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चौहान फैमिली में से किसी को नीता और राहुल के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने ये कांड कर दिया। सर इस हिसाब से चौहान फैमिली की तरफ हमारी शक की सुई घूमती है, राकेश चौहान उसका बेटा अभय चौहान हमारे प्राइम सस्पेक्ट बनते, या फिर खुद बृजनाथ ही, मतलब आपको बृजनाथ के कॉल रिकॉर्ड में वो नंबर मिला जिसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। हाँ, वो कॉल बृजनाथ को 1 महीने पहले आए थे। 1 महीने पहले? हाँ सर, 12 और 13 सितंबर। फिलहाल फोन स्विच ऑफ है, मैंने कॉल रिकॉर्ड और डिटेल्स मंगवा ली है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना पहले बृजनाथ को पता चल गया हो अपनी पोती नीता और मनोहर के पोते राहुल के अफेयर के बारे में, मतलब उसने नीता को फोन पर बात करते सुन लिया हो या फिर नीता के फोन में एसएमएस देख लिया हो, या फिर सर इस बारे में खुद नीता को भी कुछ ना पता हो, क्योंकि अभी तक तो बार बार वो यही बोलती आई है कि उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। नीता की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फोन रिकॉर्ड आने से पहले तक वो सच्चाई छुपा रही थी, बातों को गोल गोल घुमा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से राहुल ने अपने दादा मनोहर जी के सामने अपनी लव स्टोरी का खुलासा कर दिया था, नीता ने भी अपने दादा बृजनाथ के सामने खुलासा कर दिया हो? सर हो सकता है बृजनाथ को राहुल से तब से ही आपत्ति रहे और उन्होंने राहुल और नीता की लव स्टोरी को दी एंड करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए राहुल को रास्ते से हटाना जरूरी था, और कोइंसिडेंटली राहुल ने अपने दादा मनोहर के जरिए शादी की बात चलाई, और यहाँ बृजनाथ ने सोचा कि राहुल का भुवनेश्वर में ही मर्डर कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले मनोहर ने सामने से फोन कर दिया। सर हो सकता है कि टारगेट राहुल रहा हो और उसके दादा मनोहर कोलैटरल डैमेज बने। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो फिर कत्ल की प्लानिंग 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। दीपक, बृजनाथ के फोन रिकॉर्ड से जो सस्पिशियस नंबर मिला है उसे अच्छी तरह से खंगाल। बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और ये होनी किसी के हाथ में भी नहीं है। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, पर जो हो गया है उसे उभरना भी बहुत जरूरी है, और समय के साथ साथ घाव भी भर जाता है। देख बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है और तुझे भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं बेटा, तेरे पापा ने जो लड़का देखा है ना तेरे लिए, अभिषेक यूएसए वाला, वो बहुत अच्छा लड़का है। इतनी जल्दी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी सोचेंगे तो ये घाव जल्दी भर जाएंगे। राहुल के अपने दादाजी से मदद मांगने के काफी पहले तुमने अपने दादाजी से मदद मांगी थी, ये सच है ना? हमने आपसे कहा ना कि हमने हमारे और राहुल के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, हमारे दादू से भी नहीं। तुम्हारा प्यार राहुल मारा गया है, अब किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? हम किसी को नहीं बचा रहे। 21 अक्टूबर को तुम्हारे घर पे जिन लोगों को बुलाया गया था कौन थे वो लोग? हमें कुछ नहीं मालूम है मैडम, प्लीज आप हमें बताइए कि वो कौन था जिसने हमारे राहुल को मार डाला। वो हमारा सब कुछ था, हम उससे जिंदगी भर प्यार करते रहेंगे। बेटा समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मुंह से माफी मांगूं। तुम्हारे पिताजी और बेटा हमारे मेहमान थे, शादी की बात चल रही थी, और हमारे ही घर में ये हादसा हो गया। हमें दोषी ना मानिए कमल जी, पुलिस और कुछ गांव वाले हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए सच नहीं है। जितना दुख आपको है उतना ही खेद हमें भी है। सर लगता कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है। ये जो कॉल आया था बृजनाथ को,
उस नंबर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। 21 अक्टूबर कत्ल वाले दिन इस नंबर की लोकेशन करसीबाग थी। 21 अक्टूबर को यह नंबर स्विच ऑफ हुआ था, उससे पहले यह नंबर 3 महीने तक चला था, किसी फर्जी पंकज सिन्हा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर इस नंबर से कई नंबर पर कॉल किए गए, सारे स्विच ऑफ। एक नंबर एक हफ्ते पहले तक चालू था, किसी अभिराम दास के नाम पर, हिस्ट्री शीटर है, फिलहाल बोकारो सिटी जेल में चोरी की सजा काट रहा है। इस ब्रिजनाथ की काफी पहुंच है इलाके में। हाँ सर, इसके इर्द गिर्द काफी छोटे बड़े लोग मौजूद रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एक दो और भी है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिजनाथ ने इस 444567798 वाले को सुपारी दी हो, राहुल और मनोहर चौधरी की? प्रणाम ब्रिजनाथ जी, पाए लागू, बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे। कुछ सुधर गए हो या आज भी वही गंध मचा रखे हो? रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं, बस अब लगे हुए हैं मेहनत मजदूरी से। अभी बताइए कि आपका मिजाज कैसा है, मतलब आवाज सुन के तो लग रहा है कि पूरी तरह अभी बल जला नहीं है। सबसे पहले इस बोकारो जेल वाले अभिराम को तोड़ो, जिसे इस 444567798 वाले ने फोन किया था। ये भी 100% कोई हिस्ट्री शूटर होगा, तभी सब कुछ इसका फर्जी है, फोन बंद। तो इसका मतलब दूसरी कॉन्स्पिरेसी ही सही थी, ये पूरा कांड प्लान था। राहुल और मनोहर चौधरी को कत्ल करने के इरादे से ही करसीबाग बुलाया गया था। आप कभी भी कोई भी सबूत जुटा पाए जिससे ये पता चले कि ब्रिजनाथ को नीता और राहुल के अफेयर के बारे में पहले से पता था और उसी ने ये कॉन्स्पिरेसी रची हो? हमारे पास इस बात के सबूत नहीं थे कि ब्रिजनाथ को पता था या फिर नहीं पता था, क्या उसने कॉन्स्पिरेसी रची थी या नहीं। बस हमें एक छोटी सी लीड मिली थी कि एक आदमी कत्ल की सुबह करसीबाग में था, जो शायद एक हिस्ट्री शूटर था, जिसकी ब्रिजनाथ से बात हुई थी और अभी तक हमारे रडार में नहीं आया था। इसी आदमी के थ्रू हमने एक केस सॉल्व किया। पर उस हिस्ट्री शीटर का ब्रिजनाथ के साथ फोन पर बात करना, उससे कनेक्शन रखना, सर ये साफ साफ ब्रिजनाथ द्वारा की गई साजिश की तरफ इशारा करता है। इशारा था, साफ था, लेकिन ये केस बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने अनुमान लगाया था। ये अजीबों में अजीब केस था। सर बबलू वर्मा और राजू सहाय दोनों करसीबाग के रेजिडेंट हैं और दोनों सालों से ब्रिजनाथ के बाएं और दाहिने हाथ रह चुके हैं। दोनों को बिल्कुल चुपचाप उठाना से उसे डिफेंस के लिए वक्त नहीं मिला। जी सर। ए अभिराम, चल उठ। कौन से वकील का दिल आ गया हम पर जो हमारा जमानत करवा रहे हैं? साहब जी, यही है अभिराम दास। 444567798 इस नंबर पे पूरा सितंबर बड़ा चहकता रहा, तो किसी पंकज सिन्हा के नाम पे है नंबर, फर्जी नंबर, फर्जी एड्रेस, कौन यूज कर रहा था? नाम बता दो तो जमानत करा दोगे हमारे साहब? देख बे, मैं शुरुआत तेरे अंदर डंडा घुसेड़ के कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, मेरे साथ ये सौदेबाजी मत कर। आप तो बेमतलब में ही गर्मा गए साहब, थोड़ा तुक्का भिड़ा रहा था, सोचा लॉटरी लग जाए। बबन नाम है उसका। कौन है बबन? विजय यादव, असली नाम है बबन का, बिहार साइड का है, रांची में हम दोनों साथ में काम करते थे कभी कभी, एक काम था सितंबर में, बस साला मैं पकड़ा गया दूसरे केस में, काम हुआ ही नहीं। 21 अक्टूबर को ये विजय यादव और बब्बन करसीबाग गया था? गया होगा साहब। क्या करना? उद्घाटन करने, और क्या। एक नया मुर्दा घर खुलने वाला है, वहां का उद्घाटन करेगा पहला मेहमान बन के, हमेशा के लिए जमानत मिल जाएगी तुझे। हमारे यहाँ उद्घाटन ये टपकाना, किसी को उठवाना, इसको कहते हैं सुपारी, रंगदारी, ये सब उद्घाटन ही तो है। ये बब्बन सुपारी उठाता है? अब मेरी तो पूरी की पूरी कर्म कुंडली निकाल चुके हैं, अब थोड़ा प्यारे साले बब्बन को भी दिखा दो, काफी मसाला मिलेगा आपको। इसके साथीदार कौन कौन थे? हम तो नहीं थे साहब, हम तो बेमतलब में यहाँ पर सद रहे हैं। अभी कहाँ मिलेगा बब्बन? बब्बन उर्फ विजय यादव हिस्ट्री शीटर है, इसकी ब्रिजनाथ से फोन पर बात हुई थी, 21 अक्टूबर को ये करसीबाग में था। सर मैं इस बब्बन की हिस्ट्री निकालती हूँ, रंगदारी और सुपारी वाला है तो एक घंटे में इसकी सारी कुंडली हमारे हाथ में होगी। ट्रैकिंग पे डालो इसे, ये हमारा सॉलिड लीड हो सकता है। बबलू यादव, राजू साहब, तुम दोनों सालों से ब्रिजनाथ चौहान के दाएं बाएं हाथ हो। हम उनके लिए काम करते हैं सर जी, उन्होंने हमारे सर पर अपना हाथ रखकर हमें ऊंचा उठाया है सर। भले आदमी है ब्रिजनाथ जी। कितने भले आदमी है? मतलब उनकी भलाई तोली जा सकती है? आधा किलो, एक किलो? आप क्या बोल रहे हैं सर? आधा मटर, एक मटर, दो, दो मटर, दो मटर की हैसियत है तुम्हारे इस भले आदमी की?
आप कैसी बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर के मनोहर चौधरी और उसके पोते राहुल चौधरी, इन दोनों का मर्डर करवाया तुम्हारे इस भले आदमी ने। वो तो उनके घर आए हुए मेहमान थे साहब। और वो ब्रिजनाथ जी अपने घर आए मेहमान को क्यों मारेंगे? वो ऐसे मरने मारने वाले आदमी नहीं है साहब। सुनील, तेरा सोर्स भरोसेमंद है ना? 99% मैडम, पर हाँ 1% का रिस्क है। इंसान जो ठहरा। शाम का टाइम बोल। मीटिंग 5 बजे की फिक्स की है। गोमती में कोई सेटिंग है बब्बन की, लास्ट खबर तो यही है। और कुछ? मैडम खबर नहीं है, सलाह दूं? जल्दी। मैडम अगर गोमती जाना हो तो केशवपुर से निकलिएगा। मेरी सलाह ये है कि केशवपुर की कच्ची सड़कों पर आप पक्की फील्डिंग जमा लें, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। बब्बन सीधा गोद में गिरेगा। सर ये बब्बन पक्का इन्वॉल्व्ड है। बस बिछा दो जाल इस साले बब्बन के लिए। अगर खबर पक्की है तो समझो ये केस हमारे हाथ में आ गया। इस बब्बन और ब्रिजनाथ का कनेक्शन मजबूत है। 21 अक्टूबर को अगर ये बब्बन करसीबाग में ही था तो फिर ये दोनों कत्ल इसी ने किए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा क्या हुआ पापा? बब्बन का नाम सामने आया। क्या? क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। फोन आया था करसीबाग पुलिस स्टेशन से। कातिल मिले? नाम सामने आए हैं। किसने करवाया? किसी हत्यारे बब्बन का नाम सामने आ रहा है जो ब्रिजनाथ जी के पहचान का है। क्या? हमने तो वही कहा जो हमें मालूम था, लेकिन साहब हमारा यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे मालिक ब्रिजनाथ जी की बात हुई है बब्बन से। मैडम मेरा टिप डबल कर दीजिए और मॉडल नंबर गाड़ी नंबर लिखिए। बब्बन भैया की बारात आपके पास 15 मिनट में पहुंच जाएगी। जल्दी गाड़ी नंबर दो। बेटा तनी चाप के एक्सीलेटर पे पैर रखो तो शाम तक गुमती पहुंचना मालूम है ना। अब बब्बन हमारा टारगेट था जो इस डबल मर्डर के पीछे था। ब्रिजनाथ के फोन रिकॉर्ड में एक रैंडम फोन कॉल जो कि मर्डर के बाद स्विच ऑफ आ रहा है, एक कॉल ने पूरा केस क्रैक करवा दिया। हाँ लेकिन मर्डर का जो मोटिव सामने आया, दरअसल वो सबसे बड़ा शौकड़ था। सुनो चुपचाप अंदर जाना है, बिना हो हल्ला किए उसको लेके आना। कैसे करोगे? कम छवा से मुंह में ऐसे डाल देंगे, बांध देंगे तो आवाज नहीं आएगा। बढ़िया। और क्या? ये दोनों हाथ को ना ऐसे पीठ पीछे करके और ये रस्सी से पूरा एकदम कस के बांध। कहाँ लाना है पता है ना? हाँ भैया जी बताए तो थे वही। चुप। बिल्ली की तरह ऊपर चढ़ना, एकदम दबे पाओ, समझे? चल 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 चल। चेकिए ना, गोली मार देंगे कपार में। समझा?
चल ये रहा, चल ये लीजिए भैया जी। हमको प्लीज छोड़ दीजिए, देखो हमको बहुत मार भगवान, भगवान के लिए। गाड़ी आ गई। ठीक है, पोजीशन ले लो और अगर नहीं रुके तो टायर पे फायर करना। रोक 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 रोक। काहे रोक रहे, अभी ने तो चाय पिए थे साला। बब्बन उर्फ विजय यादव ना, गन निकालने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो यहीं इतना लोहा दाग देंगे ना अंदर, सीधा नरक लोक निकल जाओगे, वो भी बिना टिकट के। क्वेश्चनिंग शुरू नहीं किए सर। ब्रिजनाथ ऑन द वे, पहुंचने वाले होंगे। अब ये बब्बन जो बोलेगा वो तय करेगा कि ब्रिजनाथ के दाएं और बाएं हाथ बबलू और राजू कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। एक महीना पहले तुम्हारी इस भलाई की मुहूर्त ने रंगदारी सुपारी लेकर हत्या करने वाले को सुपारी दी थी, मनोहर चौधरी, उसके पोते राहुल चौधरी की, विजय यादव नाम है, बब्बन के नाम से जाना जाता है। बब्बन? हाँ बब्बन, 21 अक्टूबर की सुबह को यहाँ पर मौजूद था। साहब आप लोगों को बहुत गलतफहमी हुई है, ब्रिजनाथ जी ऐसा क्यों कराते, वो भी बब्बन से? हम पर इतना घिनौना और वाहियत इल्जाम थोप रहे हैं आप, एक बार फैक्ट्री से और फैक्ट्री के पास वाले थाने में से हमारे बारे में इंक्वायरी तो कर लेते। रहने दीजिए ब्रिजनाथ जी, बब्बन हमारी कस्टडी में, खुद बब्बन। तो हम क्या करें? आपकी उससे फोन पर बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। कूटिए साले को और बाहर मत निकलने दीजिएगा। हमने फोन किया उसे, उसने फोन किया हमें, और क्यों किया? हमारे लड़के राजू और बबलू ने सब कुछ बताया था आपको, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा था। 3 साल से ये साला बब्बन हमें धमकी दे रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, और एक महीना पहले अचानक कहां से टपक पड़े और हमें फोन लगा दिया। आवाज सुन के तो लग रहा है कि पूरी तरह अभी बल जला नहीं है। तो बहुत छोटा है हमारी ताकत के लिए। ब्रिजनाथ जी, आपकी ताकत को किसी की नजर ना लगे, पर सोचिए कि अगर आप हमारी रंगदारी नहीं देंगे तो बेकार में गोली वोली लग जाएगा नजर की जगह। तो हमें धमकी दे रहा है, तुझे लगता है कि हम तुझसे डर जाएंगे? 3 साल से यही धमकियां दे रहे हैं। अरे ब्रिजनाथ जी, 3 साल से रेट भी तो वही मांग रहे हैं। देखिए राउंड फिगर में 15 लाख हमको दे दीजिए, आप भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे, हमारा भी पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। कैश नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं, हम अकाउंट खोल रखे हैं ब्रिजनाथ जी। 3 साल से तू हमसे यही भीख मांग रहा है और हम भी तुझे 3 साल से मना किए जा रहे हैं। आज हमारी ये आखिरी बात है। आज के बाद तूने कभी गलती से भी हमको फोन किया ना, तो हम एक ऐसा फोन करेंगे जिंदगी भर के लिए तेरा अकाउंट जेल में खुल जाएगा और कुटाई अलग से बोनस। 3 साल में 2 बार हमने उसे अंदर करवाया था रंगदारी के जुर्म में, और 1 महीना पहले अचानक कहीं से टपक पड़े और हमें 2 बार फोन कर लिया, अचानक चुप हो गया। पता नहीं वो कहां से आया था, क्यों आया था, और हमारे मेहमानों पर। ये गलत बात है सर, एक तो बंदूक के नोक पे हमको उठा लाए, ऊपर से हमारा गागल रख लिए, जब तक गागल नहीं मिलेगा कोनो बातचीत नहीं होगी, बता रहे हैं सर। जब तेरी ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो गोगल का क्या करेगा? हाँ नाम बाग दोनों के, चल दे। उन दोनों का नाम कहीं कालर पर लिखा है जो फाड़ रहे हैं। कालर छोड़िए, कालर छोड़िए, नहीं भागे जा रहे हैं, छोड़िए बताते हैं। बात बता रहे हैं, एक का नाम है अपना धीरू, धीरू प्रसाद, दूसरे का नाम है किरू, किरू पर किरू यादव, कृपाल यादव। कहाँ मिलेंगे दोनों? कहाँ मिलेंगे दोनों? एड्रेस थोड़ा मुश्किल है, नक्शा बना दें। अपन ये जो तेरी टशन है ना, इसका तो अब क्रियाक्रम समझ, क्योंकि खुली हवा में अब तो कभी सांस नहीं ले पाएगा। अरे मालिक सुब सुब बोलिए, ये अभी हमारे खेलने खाने की दिन है। अब देखिए उन दोनों का पता हम आपको बता दिए ना, बताए कि नहीं? अब हमारी आपकी कैसी बैर,
वो दोनों तेरे टट्टू थे? कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसे लंपट लाकट लोगों को अगर अपने साथ रखने लगे ना सर जी, बता रहे इससे अच्छा है हम संन्यास ले लें, रिटायर हो जाएं। चलना, मार्ग सुधार देंगे, एक बार समझा। चल, ले लीजिए भैया जी। ये क्या है रे? जैसे ही बुढ़वा को धरे ना तो लड़कों उठ गया, तो इसको भी उठा लिया। और का पोता बता होगा, पोते हो ना जी, पीछे छोड़ते तो गवाही नहीं देता भैया जी। हम इसको नहीं पूछ रहे, ये कौन है? हैं? ये बृजनाथ चौहान नहीं है क्या? ना ना, बृजनाथ चौहान है। अरे बताओ कौन हो, बोलो ना भैया को नाम बताओ। हम मनोहर चौधरी है। आई लौंडा? ये हमारा पोता है राहुल चौधरी। अरे तो जब उठा रहे थे तो बोला नहीं जा रहा था, मुंह में रसगुल्ला डाले हुए थे। ब्रिजनाथ जी के ब्याह, तो हम अपना पोता के ब्याह के लिए आए थे भुवनेश्वर से, अब तो यहाँ के है भी नहीं। भैया जी, गलत आदमी और उसका पतवा को उठा लिया। तब साल एकदम देख रहे हैं, गलत आदमी उठा लियो। आने वक्त नाम पूछना, आपको तो पते है मिस्टेक हो गया भैया जी। मिस्टेक नहीं साले, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। क्या करे रही मिस्टेक का बताए, क्या करे? हमको जाए दो बेटा, जाए दो ना। हम आपको जानते ना, आप हमको जानते हो, हमको प्लीज जाने दो। हम प्रॉमिस करते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भैया जी, एक फोटो ब्रिजनाथ का भेज देते मोबाइल पे, हम हमेशा। और चप्पल साला मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी, ये सोचो कि इसका करेगा। हमको प्लीज छोड़ दीजिए, देखो हमको बहुत मार बहुआ, भगवान के लिए। सही बता रहे हैं सरकार, ये मिस्टेक हो गया हमसे, कोई इरादा नहीं था हमारा, खाली मिस्टेक हो गया। तो तू करसी गांव से गुजर रहा था ऐसे ही आए भाई, और तूने सोचा कि ब्रिजनाथ को टपका दूं? अरे नहीं नहीं, वो हम उतरे थे खाना खाने के लिए ढाबे पे, पेट में चूहा दौड़ा था और दिमाग में कीड़ा, दिमाग का कीड़ा बोला कि ब्रिजनाथ तुमको 3 साल से मात दिया जा रहा है, हमारे रंगदारी का तमाशा बना के रख दिया था, इसीलिए सोचे सरकार कि इसको इस बार किस्सा ही खत्म कर देते, इसीलिए बुढ़वा को उठाएं कि ओका लड़का राकेश फिर हमको रंगदारी देते वक्त कभी हीरो ना बने, बस ये सब सोच के हम प्लान बनाए थे, वैसा कोई इरादा नहीं था हमारा। अरे सब तो बता दिया, अब काहे मार रहे हैं? मिस्टेक हमसे भी हो जाता है कभी कभी, जो तेरे जैसे बेरहम क्रिमिनल जानवरों की बेल हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं, तू जेल के अंदर ही मरेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। पुलिस ने उन बाकी दोनों को भी धर लिया, धीरू और कृपाल। ये क्या अनर्थ हो गया? मनोहर जी और राहुल का इन सबसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कितने बेरहमी से मारा इस अपन ने। बप्पन और उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी से हमने इस केस को क्लोज तो कर दिया, पर ये दोनों मर्डर्स इतने बेमतलब के थे। सर, जब आपने दूसरे पुलिस स्टेशन्स में बब्बन की हिस्ट्री चेक की तो क्या आपको उसके खिलाफ रंगदारी की कंप्लेंट्स मिली? काफी रंगदारी के केसेस थे उसके खिलाफ। ये बब्बन जैसे नामचीन क्रिमिनल्स, रिपीट ऑफेंडर, क्या हम इन पे परमानेंट लगाम नहीं लगा सकते? इनको जेल में नहीं रख सकते? करेक्ट, ब्रोकन विंडो थ्योरी। अगर बब्बन बाहर नहीं होता, जेल के अंदर होता, तो ब्रिजनाथ पर अटेम्प्ट होता ही नहीं, मिस्टेकन आइडेंटिटी होती ही नहीं, ये डबल मर्डर होता ही नहीं। बात तो सही है, हार्डेंड क्रिमिनल्स और क्राइम, इन पर लगाम लगाना हम लोगों की ड्यूटी है। सर, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे बेल पर बाहर इन हिस्ट्री शीटर्स पर कड़ी निगरानी रखा जा सके, और अगर क्राइम रिपीट हो तो इन पर एक्स्ट्रा चार्जशीट लगनी चाहिए। सर, इनको सोसाइटी से दूर रखना चाहिए। काफी स्कोप है सुधार के, स्कोप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारी चीजें होनी बाकी हैं जो होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर के स्कोप पर फोकस कर सकते हैं, जैसा कि हम इस केस में कर रहे हैं। ऐसी तगड़ी चार्जशीट पेश करेंगे कोर्ट में इस बब्बन के खिलाफ कि वो इस तरह का क्राइम करना तो दूर, करने के बारे में कभी सोच भी ना सके। होपफुली उसके जैसे क्रिमिनल्स के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग हो। बब्बन और उसके दोनों साथीदार धीरू और कृपाल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।